वेलकम टू नूरी, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल एपिसोड। अब ब्यूटीफुल इसीलिए क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे वीडियो जो है अपने आप ही ब्यूटीफुल बन जाएगा क्योंकि ये जगह ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं एक्चुअली हूँ कर्सियांग में ही, जहाँ हम लोग पहले रुक रहे थे, रिवर व्यू होम स्टे। वहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था और यहाँ पे मैं अभी हूँ डाउ हिल में। डाउ हिल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे र्यूमर्स है, बहुत अफवाह है इस जगह को लेकर, हॉन्टेड है, दिस एंड दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना नज़रिया होता है क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आने के बाद मतलब मैं करीबन 1 घंटे तक बस आई एम जस्ट सिटिंग क्वाइटली, मैं आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी वन बिकॉज यू नो आई थिंक ये जो पूरा एम्बियंस है आप देख सकते हो, इट इज़ इट सेल्फ लाइक अ मेडिटेशन। तो यहाँ पे जो है कहते हैं ना कि पहाड़ इंसान को बहुत शांत बना देता है, सो या आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हम लोग जहाँ थे कर्सियांग में वो उस जगह से ये जगह इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज ये जगह पूरा वुड्स से घिरा हुआ है, पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, एंड आई एम सिटिंग इन बिटवीन। आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी विच आई कैन सी, विच माई आईज़ कैन सी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना मैं इन सारी चीज़ों को आई एम इम्बाइबिंग एवरी थिंग, उसी तरह मैं ये कोशिश रहेगी मेरी कि आप जब मेरा वीडियो देखो तो आप भी इसी सुंदरता में बस डूब जाओ, खो जाओ, क्योंकि नेचर से सुंदर चीज़ आई थिंक कुछ भी नहीं है। सो दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई कॉन्टेंट एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और पहाड़ों से प्यार तो मुझे बराबर से ही है, बचपन से ही है। मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है हाउ मच आई लव द माउंटेंस। तो आज का एपिसोड यहीं से शुरू होता है और यहाँ का होम टूर का वीडियो मैं होम टूर नहीं, होम स्टे टूर मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा मैसेज है मैम, हम दोनों ही करते हैं और कोई नहीं काम करने वाला। ये सर की बहुत अच्छा लीजिए है। ये लोग तो पहले आया, शूटिंग किया है 2 साल पहले आके शूटिंग किया है। अब पता नहीं कौन सा ड्राइवर लेके चला गया उधर, वो लोग बताया कि लेकिन वो गूगल में जब आप लिखोगे ना वहाँ पे भी हेवन दिखाता है। हेवन तो वो दिखाता है लेकिन अभी पता नहीं किसने क्या कर दिया, क्या है क्या है। बहुत मेरा इसके बारे में ना बहुत डिस्कशन हो गया मेरा, क्योंकि मैं वो ग्रुप भी उसके, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने नाम दिया है, नाम पहले से ही था, उन लोगों ने गूगल में देखा, जैसे मैंने देखा ना आपको आके बोला, तो किसी को शायद पता नहीं है कि उसका जगह, उस जगह का नाम सुपर टॉप है, हो सकता है। तो मेरा काफी डिस्कशन हो गया इसमें, 12 बजे रात में फिर मैं वो ग्रुप ही आउट कर दिया। मैं बोला ऐसे ग्रुप में किस लिए रहना, फिर डिस्कशन होता है। तो इसको इसका साग, ये नेवारी अचार, अच्छा ये गुंदरुक, गुंदरुक का अचार, और ये तो आप लोग जानते हैं पोटल, पोटल फ्राई। वाह, और ये दाल, वाओ। ये नेवारी अचार में क्या क्या रहता है? इसमें आलू डलता है, आलू टमाटर टमाटर प्याज, और उसके बाद ये मूली, हरा मिर्च, सफेद वाला वो तिल, सफेद तिल। वाह, ये क्या फिश है? रुई तो जानते हैं, रुई और पतला। ऐसे ज्यादातर नेपाली लोग ही बनाते हैं। दो बार अभी तो नहीं दिखाई देता, अभी तो उतना नहीं, 6 साल हो गया। वी जस्ट फिनिश्ड आवर लंच एंड इट वाज अमेजिंग। सारा ही नेपाली क्विजीन था जैसा कि आपने देखा, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और होम स्टेज की तो यही बात होती है, पहले वाला जिस होम स्टे में हम लोग थे और अभी जिस होम स्टे में हम लोग हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ यहाँ पे वो रॉ टेस्ट है खाने में, जो एक्चुअली होना चाहिए पहाड़ों के खाने में। स्पेशली जब मैं अभी नॉर्थ बंगाल में हूँ, तो नेपाली खाने का जो अपना एक फ्लेवर होता है, सेंस होता है, दैट वन। सो यस, अमेजिंग फूड। और शाम को आज हम लोगों ने बोला है बारबेक्यू करना है, आई मीन चिकन बारबेक्यू खाएंगे, तो वो भी मैं आपके लिए शूट करने की कोशिश करूँगी। पता नहीं वो लोग कहाँ बनाते हैं, अगर मैं एक्सेस कर पाई तो ज़रूर आपके लिए शूट करूँगी। अभी है इवनिंग टाइम और यहाँ पे है इवनिंग स्नैक्स के साथ दार्जिलिंग टी। किस चीज़ का पकौड़ा है? आलू का, आलू का पकौड़ा विथ केचप। व्हाट एल्स यू वांट? यू कैन सी द फ्रेम नज़ारा ऑन द बैक साइड, इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, एंड विथ दिस
अमेजिंग दार्जिलिंग टी, क्या चाहिए जिंदगी में। एंड यू नो व्हाट, दीज पीपल जिनका होम स्टे है प्रधान जी एंड फैमिली, हम लोग जब खा रहे थे दोपहर को, दे वर सिटिंग विद अस टिल द टाइम वी वर ईटिंग, दे वर सिटिंग विद अस। उन्होंने कहा कि खाना देखे तो हम चले जाएंगे, आप लोग तो अकेले खा लोगे, लेकिन वो घर वाला फीलिंग नहीं आएगा कि एक घर में जब सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर खाते हैं। तो ये जेस्चर इतना अच्छा लगा, इतना ही ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे साथ वो बैठे थे और हम लोग बातचीत करते करते खाना भी खा रहे थे, जो आपने ऑलरेडी देख चुका है शॉर्ट में। तो अभी इवनिंग स्नैक्स का टाइम है और इतने हसीन से मौसम के साथ दार्जिलिंग टी, व्हाट एल्स डू यू वांट। वाओ, वेरी नाइस। कस्कू आजा, कस्कू। क्या नाम है तुम्हारा? पासंग दोर्जे तमंग। पासंग दोर्जे तमंग, अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइव। विक्टोरिया बॉयज में? फुल प्रिपरेशन चल रहा है बारबेक्यू का, चिकन बारबेक्यू, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमें प्रधान जी और प्रधान जी की वाइफ यहाँ पे बैठ के बहुत ही बारिश में बारबेक्यू बना रहे हैं, और इसका आनंद आप मेरा वीडियो देख के लोगे, क्योंकि अभी तो आप आके फिलहाल खा नहीं सकोगे जब आप मेरा वीडियो देखोगे, लेकिन मेरा वीडियो देखते देखते आप वो मतलब उस मोमेंट को जी ज़रूर सकोगे। तो आप सुन ही सकते हो, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, अचानक से। पूरे दिन वैसा कोई बारिश हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो है परफेक्ट, मतलब मौसम को भी पता है कि अभी बन रहा है बारबेक्यू और साथ में चिकन बारबेक्यू और साथ में बारिश। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, मतलब नेचर्स द नेचर वर्सेस मैन, यही है, दिस इज कॉल्ड नेचर। ये सब मेरे ही चैनल पे मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करते रहो और लोगों तक मेरी जो वीडियोस है वो फैलाते रहो। तो नेचर और जो इंसान का जो मन है वो मिलके एक जगह हो गया है, वो समझ गया है कि चिकन बारबेक्यू के साथ बारिश अवश्य है। स्टे ट्यून्ड। लो पहले आप लोग खाओ, आप इतना लाइट देखो, ये सामने से एक छोटा सा टॉर्च है, ऐसे ही मैनेज करती मैं, ठीक है? बहुत बड़ी यूट्यूबर जिस दिन बन जाऊंगी, उस दिन भी इसी तरह मैनेज करूंगी, क्योंकि पाव ज़मीन पे रखना पड़ेगा। हाँ, उस टाइम पे कैमरा वैमरा अच्छा होगा, लो लाइट में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेक शिफ्ट काम हमेशा किसी भी कॉन्टेंट क्रिएटर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा चिकन, ये आपके लिए पहला, लो बाइट लो बस। चलो अब मेरी बारी है, कैसा है? तो एक पीस मिला है मुझे जिसमें स्किन है, स्किन स्किन सबसे पहले उसी पर, ओह गॉड, वो मुझे मिला है, वो मुझे मिला है, मींस फाइंडर्स कीपर्स। नहीं, सब में स्किन है, इसमें भी है, इसमें भी है। So yes, we will enjoy this night with this barbecue chicken, and yeah, इसके साथ I'm having rum because it is very obvious कि मैं पहाड़ों में आई हूँ ऐसे बैठ के, इसके साथ तो I'm gonna have my special beverage. Okay, so you guys stay tuned and and what? Cheers to all of you and to the new subscribers as well. और रात के खाने में क्या होता है, that I'm gonna show you. फाइनली आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। बहुत अच्छा खाना खाया हम लोगों ने, सब लोगों ने साथ में बैठ कर खाया, प्रधान जी और उनकी वाइफ, हम सब लोग साथ में बैठ के खा रहे थे। और मैं काफ़ी जगह घूमी हूँ, लेकिन इस बार का ये वाला एक्सपीरियंस बहुत सारी एक्सपीरियंसेस में से
एक था और हमेशा याद रहेगा बस। और कल का दिन है यहाँ पे, परसों तो यहाँ से जाते वक्त मुझे तो सोचना ही नहीं है, पता नहीं मतलब बता नहीं सकती क्या कैसा फील होगा। एनीवेज आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। कल हम चलेंगे कहीं घूमने, मतलब इस आसपास में डाउ हिल में बहुत कुछ देखने लायक है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट देखने लायक है, आई मीन इस होम स्टे में आप कहीं भी खड़े हो जाओ आपको हर जगह से व्यू ही मिलेगा। यू आर जस्ट, यू हैव टू थिंक दैट यू आर इन बिटवीन द पाइन फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत कुछ देखना बाकी है अभी भी। और मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एक नया प्रेजेंट कर पाऊँ। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, और यही सारे मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। आप सब अपना ख्याल रखना, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नूरी नाइट फ्रॉम कर्सियांग। हैव अ नूरी नाइट। हैव अ नूरी नाइट।